जिम आके तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाले क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ इस तरह आपको इफेक्ट पड़ा होगा यानी गाइस आपको फिर से इफेक्ट पड़ा होगा तो गाइस सीधे सीधा फंडा जाएगा। गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जूम इन जूम आउट के बारे में। जितने बड़े यूट्यूबर लाइक द रोहित दर 2.0 अगर आप उनके चैनल सब्सक्राइब किए होंगे वो अक्सर अपने चैनल पर यूज करते हैं। जितने बड़े यूट्यूबर होते हैं जिनके चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर होता है यानी 1 लाख सब्सक्राइबर होता है वो अपने चैनल अक्सर जूम इन जूम आउट का यूज करते हैं। जैसे गाइस अभी आप लोग मैं जूम इन जूम आउट किया हूँ इसी तरह जितने बड़े यूट्यूबर तो वो अक्सर अपने चैनल पर यूज करते हैं या तो ब्लॉग वाले चैनल तो टैग वाले चैनल। अगर आप लोग टैग वाले चैनल या तो ब्लॉग वाले चैनल तो आप लोग इसका जरूर यूज करना जूम इन जूम आउट का, आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो प्लीज वीडियो इन तक बने रहे, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली गाइस। अगर आप लोग चाहते हो जूम इन जूम आउट सीखना चाहते हो प्लीज चैनल को नया सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर कर देना। तो गाइस स्क्रीन में चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, तो यार गाइस अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा काइन मास्टर, अभी आप लोग देख सकते हैं मैं इसे थंबनेल बना लेता हूँ स्लाइड यहाँ पर कुछ वीडियो भी एडिट करके रखा हूँ। बट गाइस यहाँ पर देख सकते हैं प्लस वाले आइकन में जाता हूँ, प्लस वाले आइकन जहाँ पर 16:9 को क्लिक कर लेता हूँ। जैसे गाइस मैं 16:9 को क्लिक कर लेता हूँ आप लोग सामने यहाँ पास कुछ मैं अपना बैकग्राउंड को यूज़ कर लेता हूँ। देख सकते हैं मैंने इसको बहुत सारा डाउनलोड करके रखा है। अब यहाँ पास मैं कुछ बैकग्राउंड को यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड को पूरा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, देखो इसको मैंने स्क्रॉल कर लिया, स्क्रॉल करने के यहाँ पर देखते हैं एक मैंने वीडियो को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी वीडियो है लाइक दैट, इस वीडियो में आप लोग सिखा देता हूँ जूम इन जूम आउट। ठीक है, अभी भी आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ भी जूम इन जूम आउट अभी नहीं है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये मेरी ही वीडियो है। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली। ठीक है, तो गाइस इसमें कहीं जूम इन जूम आउट नहीं, मैं इसी वीडियो में आप लोग जूम इन जूम आउट को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मैं बाय द वे यहाँ पर जूम इन जूम आउट करके दिखा देता हूँ। इसमें जाता हूँ कैची वाले ऑप्शन में, यहाँ पर स्प्लिट ऑफ प्लेट में इसको काट देता हूँ। ठीक है, अब 20 इसको भी काट देता हूँ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इसको यहाँ पास काट देता हूँ। आई होप आप लोग इसे काटते तो बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा बीच का भी काटे देता हूँ। ठीक है, इसको काटने यहाँ पे स्प्लिट ऑफ प्लेट में कर दिया और इसको यहाँ पास से काट दिया। ठीक है, ये होगा स्प्लिट ऑफ प्लेट। अभी आप लोग देख सकते हैं बीच से काट चुका है। अब आपको यहाँ पास बाई हमको यहाँ पास जूम इन जूम आउट करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं अपना यहाँ पास मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पास क्लिक करने में देख सकते हैं कैंची का स्थान है, कैंची वाले यहाँ बीच में, आप साउंड वाला होगा आपको बीच में क्लिक कर, जैसे बीच में आप लोग के लिए ऑफ का ऑप्शन होगा, इसको आप लोग साइड हम इसको दबा देते हैं। जैसे इसको आप जैसे मैं दबा देता हूँ यहाँ पास जूम इन जूम आउट होगा। अब इसको मैं सही का चिन्ह लगा, सही वाले में क्लिक कर देता हूँ। जैसे गाइस मैं क्लिक कर दिया, अब आप लोग थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, इफेक्ट जरूर पड़ेगा, जैसे आपको इफेक्ट पड़ा होगा यानी गाइस आपको फिर से इफेक्ट पड़ा होगा। गाइस सीधे सीधा फंडा जाएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जूम इन जूम आउट के बारे में। जितने बड़े यूट्यूबर हैं गाइस आपको कुछ यहाँ पर इफेक्ट आप लोगों को पता ही चला होगा। तो इस तरह गाइस करके आप भी अपने चैनल पर अपनी वीडियो पर इफेक्ट को यूज करते हो जिससे आपको वीडियो थोड़ा प्रोफेशनल लगे। आई होप आप लोग वीडियो पसंद है। अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद, प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।